नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शरद महोत्सव मेला में भजन संध्या कार्यक्रम में झूमे दर्शक। शरद महोत्सव 2022 में शुक्रवार रात्रि को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा, विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर राजीव सरीन, रचना सरीन, डॉक्टर चित्रा बंसल, डॉक्टर अनिल बंसल एवं उप सभापति माया शर्मा रही, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने की। कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने कहा कि नगर परिषद ने स्थानीय लोगों के लिए जो मंच दिया है वह काबिले तारीफ है। इसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ साथ कानूनी अपराध है। बाल विवाह के कई दुष्परिणाम हैं। बाल विवाह से बच्चों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास रुक जाता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर राजीव सरीन, रचना सरीन, डॉक्टर चित्रा बंसल, डॉक्टर अनिल बंसल एवं उप सभापति माया शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर परिषद धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम रखे गए हैं, जो एक अच्छी पहल है। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि नगर परिषद की कोशिश है कि स्थानीय कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मंच मिले, जिससे वे अपनी प्रतिभा को उजागर कर सके। सभापति सिंह ने कहा कि शहर सुंदर एवं स्वच्छ बने, इसके लिए हम सभी को सामूहिक रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। इससे पूर्व अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें कलाकार दीपक शर्मा ने भजन हनुमान चालीसा, श्याम बाबा के भजन हनुमान जी, कृष्ण भगवान, देवी मैया के भजन सुनाए, जिसमें जय सिया राम गायो रे, हमारी राम जी से राम राम कहियो रे, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, माता पिता का सवरण ठोकरे लगा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, जिसे सुनकर दर्शकों ने बाके बिहारी रामचंद्र भगवान और हनुमान जी के जयकारे लगाए। कलाकार दीपक शर्मा ने बहनों को सतर्क रहना, हर एक आदमी से पापी भी अब यहाँ पर राखी बांध रहा है, जिसे सुनकर दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए और समूचा पंडाल भगवानमय हो गया। कलाकार रीना भदौरिया ने मुझे रास आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना, तुझे मिल गया है पुजारी, हमें मिल गया है ठिकाना, ओ नैनन में श्याम बसा गयो, मोहे प्रेम को रोग लगा गयो, जिसे सुनकर समूचा पंडाल भक्तिमय हो गया। इस मौके पर आयुक्त देवी लाल, अधिशाषी अभियंता ब्रजमोहन मंगल, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, पार्षद प्रतिनिधि बच्चू तिवारी, गौरव, भारत परमार, नसीम आदि मौजूद रहे। खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर पलटा, किसान की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के गांव मौरोली में शनिवार को खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने पर 23 साल के किसान की दर्दनाक मौत हो गई। डेड बॉडी को पुलिस ने जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। परिजनों ने बताया 23 वर्षीय संतोष पुत्र शत्रुघ्न
शनिवार दोपहर को ट्रैक्टर में हल लगाकर खेतों की जुताई करने गया था। खेत की जुताई करते समय स्पीड अधिक होने पर ट्रैक्टर बेकाबू होकर खेत की मेड़ पर चढ़ गया। किसान ट्रैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सका और बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे किसान संतोष दब गया। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना को देख आसपास खेतों में काम कर रहे किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने परिजनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को सीधा कर चालक को बाहर निकाला। गंभीर अवस्था में किसान को जिला अस्पताल के इमरजेंसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण कर किसान को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल पर ही परिजनों ने रोना चीखना शुरू कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। जिला अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक किसान का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खिलाड़ी खेल भावना का परिचय दे खुशबू सिंह। शरद महोत्सव 2022 में चल रहे खेलों की कड़ी में आज शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि नगर परिषद का प्रयास है कि सभी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा सके। इसी के अंतर्गत खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए शरद महोत्सव 2022 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेलते समय खेल भावना का परिचय दे और एकाग्रता के साथ अपने खेल पर ध्यान दे। सभापति ने कहा कि हमारा प्रयास है कि खेल प्रतिभाओं को निखार कर उनके खेल को सभी के सामने ला सके। जिला बैडमिंटन संघ के कोच मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि प्रतियोगिता में 100 से अधिक खिलाड़ी बालक बालिका वर्ग में भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिता सब जूनियर जूनियर के विभिन्न वर्गों में आयोजित की जा रही है। इस प्रकार की योजना के माध्यम से धौलपुर की प्रतिभाओं को अपने खेल में निखार लाने का अवसर मिलेगा और उनके मनोबल में वृद्धि होगी। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच सोमवार से प्रारंभ होंगे। बैडमिंटन में प्रतियोगिता में गुरमीत कौर ने रश्मि चौधरी को 15-8, 11-15, 15-11 से और पृथ्वी पारासर ने प्रतिभा गुर्जर को 15-7, 15-8 से। पृथ्वी पारासर ने अध्या मोदी को 15-5, 15-3 से हराया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक विमल शर्मा, प्रियंका ढाका, सौरभ गुर्जर, अजय भगेल, अनिल मिश्रा, नसीम खान, बबलू खान ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। धौलपुर द्वारा शरद महोत्सव 2022 द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण अंचल की बेटियों को भी प्रोत्साहन के लिए ये प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किया गया है। इस प्रतियोगिता में करीब 100 बालक बालिकाएँ भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। शरद महोत्सव 2022 में इस बार मचेगा धमाल। ऐतिहासिक रूप से होंगे कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, लाफ्टर शो, हरियाणवी डांस, म्यूजिकल नाइट, डांस नाइट, रंगीलो राजस्थान, भजन संध्या और भी बहुत कुछ, तो देखना ना भूले। 2 को शाम 7 बजे से हरियाणवी थमचक नाइट प्रांजल दहिया के साथ, 13 नवंबर की शाम को सिंगिंग विद हेमंत ब्रजवासी, 14 को अखिल भारतीय मुशायरा, 16 को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन, शैलेश रोड़ा, जानी बैरागी, वेद व्रत वाजपेयी, कीर्ति काले, तहली अनामिका जैन अंबर, तेज नारायण बेचैन के द्वारा
17 नवंबर को डांस नाइट तथा 20 नवंबर को शाम 7:30 बजे आतिशबाजी के साथ समापन होगा। कार्यक्रमों को देखना ना भूले, जरूर पधारे। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, उपसभापति माया शर्मा एवं आयुक्त तथा सभी पार्षद गणों की ओर से सभी धौलपुर जिले वासी एवं आसपास के जिले के लोग सभी कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं। मेले में विशेष सहयोग देने के लिए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मुझे याद है कई साल पहले ये अमृतसर से आया था भाई, 500 रुपीज इन इज पॉकेट, और आज ऊपर वाले की दया से 20 से 25 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा, साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु मित्तल। पेयजल की पाइपलाइन बिछाने को लेकर खोदी गई सड़क बनी मुसीबत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर बाड़ी विधायक गिरा सिंह मलिंगा की मांग पर विगत बजट में शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसके तहत जलदाय विभाग द्वारा यह काम आगरा की देव कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है। 25 जुलाई को कंपनी को काम सौंपे जाने के बाद अब इसे शहर के नागरिकों का दुर्भाग्य कहे या अधिकारियों की उचित मॉनिटरिंग का अभाव। 3 महीने में कुछ स्थानों पर गड्ढे खोदकर डाल दिए गए हैं, वहीं शहर के आउटर क्षेत्र में कुछ नलकूपों की भी बोरिंग की गई है, लेकिन पिछले 1 महीने से काम बंद पड़ा है, जिसको लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 3 महीने काम की शुरुआत को हो गए, लेकिन संबंधित कंपनी ने डिजाइन और ड्राइंग नहीं दिया है। ऐसे में कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता देशराज गुर्जर ने बताया कि देव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पहले शहर के प्रमुख सड़क मार्ग पर पाइप लाइन डाली गई, वहीं कुछ नलकूप भी खोदे गए, लेकिन बाद में जब बाद ड्राइंग और डिजाइन को लेकर नक्शा तैयार करने की आई तो कंपनी ने काम बंद कर दिया। अब नक्शा उपलब्ध कराने के नाम आजकल हो रही है, अभी तक विभाग में नक्शा जमा नहीं कराया गया है। ऐसे में काम को लेकर अधिशासी अभियंता JEN चेतीवाल द्वारा कंपनी के संवेदक को नोटिस जारी किया है। करीब 32 करोड़ की लागत की शहरी पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें 6 पेयजल टंकियों के निर्माण के साथ एक दर्जन से अधिक नलकूपों का निर्माण करना है, साथ में 2 उच्च क्षमता के जलाशय भी बनेंगे। इसके अलावा राइजिंग एवं वितरण पाइपलाइन शहर के 125 किलोमीटर क्षेत्र में बिछाई जाएगी,
यह काम एक वर्ष में पूरा करना था, लेकिन 3 महीने निकलने के बाद भी 1 किलोमीटर क्षेत्र में भी काम नहीं हो पाया। और जिस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई है वह शहर का सबसे प्रमुख एरिया है, जिसमें पाइपलाइन डाले जाने के बाद कोई मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में शहर की प्रमुख सड़क पर जगह जगह गड्ढे और मिट्टी जमा हो रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहर में राइजिंग और वितरण दो प्रकार की पाइपलाइन डाली जाएंगी, जिसमें से कुछ क्षेत्र में राइजिंग पाइपलाइन डाली तो गई, लेकिन पाइप लाइन को लेकर अभी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि बिना डिजाइन और ड्राइंग नक्शे के काम करना संभव नहीं है। ऐसे में कंपनी यह काम कब पूरा करेगी यह समझ में नहीं आ रहा है। विधायक भी जता चुके हैं नाराजगी, पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान नियमों की पालना नहीं करने और लोगों को हो रही परेशानी के साथ कार्य में लेट लतीफी को लेकर स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी काम के प्रति नाराजगी जता चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों सहित कंपनी के संवेदक को फटकार लगाई है, लेकिन फिर भी काम में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। देव कंस्ट्रक्शन का वर्क ऑर्डर 25 जुलाई 2022 को हुआ था, जिसको 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट ने डिजाइन और ड्राइंग, वितरण और राइजिंग पाइपलाइन की सबमिट नहीं करी है डिपार्टमेंट में अनुमोदन के लिए, और उसको नोटिस दिया जा रहा है। 2-3 नोटिस दे भी दिए हैं हमने हमारे एक्शन साहब ने, और अभी वो कह रहा है 4-5 दिन में मैं डिजाइन ड्राइंग दे करके काम चालू करूं। नहर में पानी छोड़ने की तारीख तय करने को लेकर 14 नवंबर को होगी बैठक। पार्वती बांध से नहर में पानी छोड़ने की तारीख जल्द ही तय होने वाली है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा अभी तैयारी पूरी नहीं कर पाई है। नहर की साफ सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सही तरह से नहर की सफाई नहीं होने के कारण नहर का कचरा कुलावों में उलझ जाता है, जिससे नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता। वहीं मुख्य नहर से तसीमो माइनर में पानी छोड़ने के लिए बनाया गया गेट लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ है, जिससे माइनर में पूरा पानी नहीं पहुंच पाता, जबकि माइनर से सैकड़ों बीघा फसल की सिंचाई होती है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता धर्मेंद्र अग्रवाल ने बताया कि ठेकेदार को अवगत करा दिया है, जल्द ही माइनर व क्षतिग्रस्त पड़ी नहर की पुलिया की मरम्मत कराई जाएगी और नगर का भी काम जल्द शुरू होगा। नहर में पानी छोड़ने की तारीख तय करने के लिए इस बार 14 नवंबर को सैपू सिंचाई विभाग कार्यालय पर 3 बजे से बैठक होगी, जिसमें बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जिला कलेक्टर व सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें किसानों से सिंचाई के लिए पानी की जरूरत को लेकर किसानों से चर्चा कर नहर में पानी छोड़ने की तारीख तय की जाएगी। पार्वती परियोजना के नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि क्षतिग्रस्त पड़े माइनर के गेट और साफ सफाई को लेकर सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता धर्मेंद्र अग्रवाल से बात की, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। एसपी ने जिले भर के सीओ व थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने आज शनिवार को पुलिस लाइन के सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अपराध गोष्ठी में सीआरपीसी
एवं एक साल से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, CCTNS पर समय पर रिकॉर्ड एंट्री कराने, SC/ST के प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर समय पर चालान पेश करने, इनामी एवं वांछित अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने सहित यातायात अधिनियम की पालना नहीं करने के संबंध में किए गए। चालानों की समीक्षा करते हुए सभी CO थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। SP ने कहा कि रक्षक दलों, CLG व पुलिस मित्रों के साथ बैठक कर बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इस दौरान धौलपुर CO सुरेश सांखला, सैपऊ CO विजय कुमार सिंह, बाड़ी CO मनीष शर्मा, मनिया CO दीपक खंडेलवाल, अपराध सहायक अध्यात्म गौतम सहित जिले के सभी थाना अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान समाज एवं बाल कल्याण अधिकारी विश्वदेव पांडे, बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर, स्वयंसेवी संस्थाओं के राकेश कुमार, नरेंद्र कुमार, राकेश तिवारी, थर्ड जेंडर देविका, शोभाबाई सहित पुलिस अधिकारीगण अन्य उपस्थित रहे। पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से यारियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस MO इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाएं 9000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें सिद्धि विनायक मोटर्स, मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्बेदी नगर, कॉलोनी, धौलपुर। एक साथ दो विधायकों ने लिया माता रानी का आशीर्वाद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के मरेना कस्बे के नजदीक रहना वाली माता मंदिर पर आज शनिवार को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा व बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल वैरवा ने कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के साथ पहुंचकर माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना व आरती कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर पर मौजूद लोगों से बाड़ी विधायक व बसेड़ी विधायक ने मुलाकात की। शेरपुर स्कूल के 170 विद्यार्थियों को मिली गणवेश। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर मनिया में यूनिफॉर्म वितरण समारोह का आयोजन जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में परिवहन विभाग के यातायात उप निरीक्षक अविनाश चौहान मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने 170 छात्रों को यूनिफॉर्म के रूप में लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग का लोअर प्रदान किया। DTO विजय कुमार मीणा ने कहा कि शेरपुर स्कूल काफी समय से जिले के सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। संस्था प्रधान राजेश शर्मा के नवाचारों को जिले में ही नहीं संपूर्ण राज्य के स्कूलों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो गर्व की बात है। इससे शिक्षा के साथ सरकारी स्कूलों की महत्ता कायम हो रही है। उन्होंने HM राजेश शर्मा की ओर से भामा शाहों की मदद से विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तरह अलग अलग रंग के लोअर टी शर्ट के रूप में आकर्षक यूनिफॉर्म दिलवाकर एक अच्छी पहल की है।
यातायात उप निरीक्षक अविनाश चौहान ने कहा कि छात्रों के साथ अभिभावकों को भी यातायात नियमों की पालना करते हुए सदैव दुपहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। इससे आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिजनों से यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। अतिथियों का स्कूल के संस्था प्रधान राजेश शर्मा, डॉक्टर अतर सिंह भगेल सहित स्कूल के शिक्षकों ने माल्यार्पण एवं साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर अध्यापक सौरभ राजपूत, सत्येंद्र कुमार, दीवान सिंह, राहुल भगेल, चंदन सहित छात्र व स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर के 170 छात्रों को आज भामाशाहों के सहयोग से यूनिफॉर्म के रूप में लाल रंग की टी शर्ट एवं नीले रंग का लोअर प्रदान किया गया। इस यूनिफॉर्म में निजी स्कूलों से अच्छे बच्चे सरकारी स्कूल के नजर आए। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में DTO साहब विजय कुमार मीणा एवं यातायात उप निरीक्षक अविनाश चौहान साहब मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना करने एवं उनके अभिभावकों को भी हेलमेट लगाकर एवं चौपहिया वाहनों पर सीट बेल्ट बांधने का अनुरोध किया, जिससे अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बारातियों व बाइक सवार राहगीरों में सड़क पर हुआ संग्राम। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के ओरडेला रोड पर शुक्रवार देर रात को बारातियों और बाइक सवार राहगीरों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान फायरिंग और पथराव की भी सूचना है। मारपीट से एक बाराती को गंभीर चोट व कई बारातियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार ओडेला रोड पर शुक्रवार देर रात को एक बारात आई थी। बारातियों को सड़क के सहारे खड़ा करके नाश्ता दिया जा रहा था। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे एक बाइक सवार की बाइक किसी बाराती से टच हो गई। इतने में बारातियों ने बाइक सवार राहगीर की मारपीट कर दी। गुस्साए बाइक सवार ने अपने साथियों को फोन कर करीब आधा दर्जन लोगों को मौके पर बुला लिया। बाइक सवार के साथ आए लोगों ने बारातियों की मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान फायरिंग और पथराव की भी सूचना है, जिसमें कई बारातियों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को देख बारातियों के साथ मारपीट करने वाले लोग मौके से भाग गए। पुलिस बारातियों से मारपीट करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। स्कूल कॉलेज की लड़कियों ने सीखे आत्मरक्षा के दाव पेच। सरमथरा कस्बे में SP धर्मेंद्र सिंह की पहल पर महिला पुलिस कर्मी स्कूल कॉलेज में जाकर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। महिला पुलिसकर्मी ऑपरेशन आत्मरक्षा के तहत बेटियों को मार्शल आर्ट और कराटे के दाव पेच सिखाते हुए मजबूत बनाने और बेटियों में हौसला भरने का काम कर रही है, जिसमें सरमथरा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आत्मरक्षा अभियान के तहत महिला पुलिस दल ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। पिछले 4 दिन से चल रहे शिविर का आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह की उपस्थिति में समापन किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक की पहल छात्राओं के भावी जीवन के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और इससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और छात्राएं विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगी। अभियान के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा के गुर सिखाने के साथ साथ लड़कियों को महिला हेल्पलाइन और महिलाओं से जुड़े अधिकारों और कानून की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मदन गोयल, ममता देवी, रामेश्वर दयाल, राजू सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर,
डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कोरफोम व स्लिप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा जैन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध। जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलएन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, यूएस पोलो, मोटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। नर्सेस ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर PMO को CM के नाम दिया ज्ञापन। राजस्थान राज्य नर्सेस एसोसिएशन एकीकृत के जिला अध्यक्ष अमृत लाल के नेतृत्व में नर्सेस की लंबित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को ज्ञापन दिया। संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा आगामी महत्वाकांक्षी एवं कर्मचारी हित में बजट के लिए नर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा नर्सेस की प्रमुख मांगों के लिए संपूर्ण राज्य में चरणबद्ध 2 नवंबर से 9 नवंबर तक ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह गुर्जर ने बताया कि नर्सेस विगत 4 वर्षों से सरकार को ज्ञापन देकर नर्सेस की जायज मांगों को लेकर अवगत कराती रही है, लेकिन सरकार का नर्सेस की जायज मांगों की अनदेखी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला संयोजक सुरेश लोधा ने बताया कि नर्सेस की प्रमुख 11 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत राज्य के समस्त संविदा NRHM, NHM, UTV, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सभी ANM, GNM, नर्सिंग ट्यूटर, PHN बिना परीक्षा के सेवा अवधि अनुभव के आधार पर नियमित किए जाए। संगठन के जिला प्रवक्ता पंकज मुद्गल ने बताया कि वेतन भत्तों की विसंगति, जिसमें केंद्र के अनुरूप वेतन भत्ते देय हो, छठवें सातवें वेतन में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जावे, प्राथमिक उपचार का अधिकार, उच्च योग्यता धारी सेवारत नर्सेस कर्मचारियों को केंद्र अनुरूप 2 व 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, वर्तमान ACP 09/18/27 को चिकित्सकों के समान 6/12/18/24 लागू हो, समस्त संविदा UTV, NRHM, NHM, प्लेसमेंट एजेंसी कर्मियों को श्रम कानून एवं केंद्र के समान नर्सेस अनुरूप ANM को न्यूनतम वेतन 29,200 व नर्सिंग ऑफिसर को 44,900 प्रति माह मूल वेतन दे हो। वर्ष 2009 से वर्तमान तक नियमित समस्त नर्सेस को उनकी पूर्व राजकीय सेवा काल का लाभ प्रबोधक एवं पंचायत राज विभाग के समान लागू किया जाए। इस अवसर पर जिला संरक्षक मेघ सिंह, सुनीता सिंगल, नीलम, संगठन के वरिष्ठ कर्मचारी सरदार सिंह, राधेश्याम सेन, जिला कोषाध्यक्ष अबरार खान, शिव कुमार शर्मा, OP लोधी आदि कर्मचारी मौजूद रहे। शहीद समिति तसीमों का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में 350 प्रतिभाएं सम्मानित। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के सत्र 2022 में कक्षा 10वीं व 12वीं में 90% या इससे अधिक नीट, IIT राजकीय सेवा में चयनित, खेल, सांस्कृतिक
व अन्य क्षेत्रों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 350 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सभी प्रतिभाओं को शील्ड, मेडल, तिरंगे का पट्टा, बैज व प्रशस्ति पत्र देकर व रोली तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर राम के सिंह परमार सहित पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा, श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह परमार, भाजपा नेता बाजाराम बघेल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, पूर्व बसेड़ी विधायक रानी कोहली आदि सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बरगद मेन के नाम से मशहूर नरेंद्र यादव को भी समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी बाड़ी विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा गुजरात के मोरबी में पुल दुर्घटना में हुए हादसे में मारे गए लोगों को गांधी पार्क बाड़ी में मोमबत्ती जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि इस हादसे पर आम आदमी पार्टी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती है और इस घटना में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करती है, जिसे आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस मौके पर देवेंद्र सिंह, अनूप शर्मा, चिद्दू बाबा, शिवराम गोस्वामी, नरेंद्र गर्ग, नरेंद्र दिवाकर, ज्ञान सिंह परमार, रामजीलाल शर्मा, अज्जो भाई असलम, वेद प्रकाश गुर्जर, अमित मीणा, बबलू क्रांतिकारी महेश आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। वांछित आरोपी को बाइक सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गुलाबबाग धौलपुर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया 30 मई 2022 को जयदीप पुत्र तारा सिंह ठाकुर निवासी टीचर कॉलोनी ने बसेड़ी पुलिस थाना में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर गुलाबबाग धौलपुर से विशाल सिंह पुत्र रघुराज सिंह ठाकुर उम्र 21 साल निवासी पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कार्यवाही के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल कोमल सिंह, एनाल सिंह शामिल रहे। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने जिला 10-10 की सूची में वांछित 500 रुपए के इनामी बदमाश को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के आरोप में भरतपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया 18 जुलाई 2022 को महेंद्र सिंह गुर्जर धौंद पर जानलेवा हमला करने के आरोप में थाना पुलिस ने टीम में कार्यवाही करते हुए आज शनिवार को 500 रुपए के इनामी बदमाश समुंदर पुत्र निर्भय सिंह गुर्जर उम्र 45 साल निवासी सिंघानिया थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्यवाही की है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बयाना रोड से आरोपी पप्पू पुत्र सामंता जाटव निवासी पिपरौन को अवैध देसी शराब के
56 पौवा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल कोमल सिंह व एलान सिंह शामिल रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।